नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। जालौन, अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, 600 ट्रकों का चालान, 3 करोड़ की रजब वसूली। बुंदेलखंड के जालौन जिले में चल रही अवैध बालू खनन की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मनन अख्तर और पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सरकारी अमले के साथ कल्पी तहसील के कंदोरा के वसेहरी और हेमनपुरवा बालू घाटों पर छापा मारा। अधिकारियों की इस तबतोड़ कार्रवाई को देख बालू माफियों में हड़कंप मच गया और बालू माफिया घाट छोड़ जंगल में छुपने के लिए मजबूर हो गए। पुलिस प्रशासन ने मिलकर बालू खनन माफियों और ओवरलोडो ट्रकों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर बिन रोक टोक के तेजी से ओवरलोड बालू भरे ट्रकों के निकलने का सिलसिला लगातार मिल रहा था, जिस पर प्रशासन को ये भी शिकायत मिल रही थी कि कंदोरा ब्लॉक में मौजूद बालू घाटों से बालू माफिया अवैध रूप से बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवा रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह को लेकर संबंधित विभागों के साथ ARTO खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध बालू खनन कर रहे बालू घाटों पर छापा मारा तथा ओवरलोड ट्रकों को चेकिंग करने के साथ साथ ही कंदोरा थाना क्षेत्र के बेतवा नदी के बालू घाटों पर बड़ी कार्रवाई भी की। इस दौरान खनिज माफिया नदी छोड़कर भागते हुए नजर आए, साथ ही प्रशासन के डर से जंगलों में छुपे नजर भी आए। थाना कालपी कंदोरा आटा क्षेत्र में अवैध खनन व ओवरलोडिंग ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 87 ट्रकों का चालान किया गया। इसके साथ ही थाना कंदोरा में 13 ट्रकों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 141/18 धारा 389/411 और 21/4 खनिज अधिनियम में पंजीकृत किया गया। यही कार्रवाई थाना कल्पी में एक ट्रक आटा थाने में एक ट्रक सीज हुआ। इस प्रकार कुल 14 ट्रकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और 87 ट्रकों का चालान किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने बताया, हमको लगातार जानकारी मिल रही थी, जिस वजह से हमने खनन क्षेत्र में जाकर व्यवस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके साथ हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक 600 ट्रकों का चालान किया जा चुका है, जिसमें 3 करोड़ की रकम वसूली की जा चुकी है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हमको अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतें मिलती रहेंगी। लगातार चल रही है ऑलरेडी, लगभग इस महीने जो है 600 से ऊपर ट्रकों का जो है चालान हो चुका है, लगभग 3 करोड़ की वसूली उस पर हुई है। कुछ दिन पहले ही जो है 10 ट्रकें और पकड़ी गई थी जिनके ऊपर FIR हुआ है। प्लस इससे पहले भी आपका करथरा घाट पे भी ADM साहब के द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें भी जो है 2 ट्रकें पकड़ी गई थी, साथ ही साथ NR ट्रकें थी, तो उन जो खनिज वहाँ करथरा घाट से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी FIR करा गया था और यह अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि खनन का जो है शिकायतें हमें मिलती रही। कल कदौरा में जो ओवरलोडिंग और अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये कैसे आपको सर जानकारी प्राप्त हुई है और क्या कार्रवाई हुई? हम लोगों को कुछ दिन से जानकारी मिल रहा था कि थोड़ी अवैध खनन की गतिविधियां हैं और ओवरलोडेड ट्रक्स जो है कदौरा की तरफ से आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो हम लोगों ने SDM कालपी और CO कालपी की टीम बनाई, उन्होंने कुछ कार्रवाई की और कल ही जो है हम लोग कदौरा की तरफ ही निकले हुए थे मैं और SP साहब। हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण भी किया साथ में, तो लगभग 46 ओवरलोडेड ट्रकों का चालान हुआ और 13 ट्रकों के ऊपर FIR दर्ज किया गया और जहाँ से वो लेके आ रहे थे, जहाँ से ओवरलोडेड ट्रक लेके आ रहे थे, उन्होंने जो है खनन क्षेत्रों के जो व्यवस्थापक है उनके ऊपर भी FIR दर्ज किया गया।